कपिल मिश्रा घर पे सिर्फ कुंडी खटखटा के दिखा दे कमिश्नर साहब, मुझे कुंडी खटखटा के दिखा दे, जरूरत नहीं है, सितारे उतर जाएंगे कंधे पे से। इस मुल्क में अब नफरत फैलाने वाले लोग जो नंगा नाच नाच रहे हैं उनके चेहरे दुनिया के सामने वाजे हैं, पूरे मुल्क में हुकूमतों के सामने वाजे, पुलिस एक मोहल्ले का पुलिसिया से लेके कमिश्नर तक जानता है कि बदमाश कौन है जो सड़क पे खड़े हुए हैं और सड़क पे रोजाना हरकत कर रहे हैं। जरूरत नहीं है किसी पुलिस वाले की कमिश्नर से लेके कांस्टेबल तक उंगली लगा दे उस आदमी को। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। काफी लंबे अरसे से एक खास समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है, कभी किसी बयान को लेकर के विवाद बनाया जाता है तो कभी किसी बात को लेकर के एक बवाल खड़ा करने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही कुछ दिन पहले जफरुल इस्लाम साहब के साथ हुआ, जिन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को लेकर के उनके ऊपर दिल्ली पुलिस देशद्रोह जैसा संगीन मुकदमा लगा देती है। आखिरकार इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, अपनी बात भी कोई सोशल मीडिया के जरिए नहीं रख सकता, अगर रख दे तो देशद्रोह जैसा मुकदमा लग जाता है? ऐसे में बात तो जिसको रखनी है, जिसको जो बात सुननी है वो वाली बात रखें तो सब बात रख रहे हैं, कोई रुकावट तो है नहीं बात रखने से, सब लोग बात रख रहे हैं। लेकिन अगर आपकी बात मुझे पसंद ना आए और मेरे पास इख्तदार भी है और ताकत भी है और आप मेरी नापसंदीदा बात मेरे लिए आप कर रहे हैं तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा। ये बड़ी सीधी सी कहानी है, वो हो रहा है एग्जैक्टली, चूंकि आप वो बात कह रहे हैं जो अहले हकम को पसंद नहीं आ रही, इसलिए वो आपका मुंह तोड़ देना चाहते। सीधी सी बात ये है, वरना सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, इस मुल्क में अब नफरत फैलाने वाले लोग जो नंगा नाच नाच रहे हैं उनके चेहरे दुनिया के सामने वाजे हैं, पूरे मुल्क में हुकूमतों के सामने वाजे, पुलिस एक मोहल्ले का पुलिसिया से लेके कमिश्नर तक जानता है कि बदमाश कौन है जो सड़क पे खड़े हुए हैं और सड़क पे रोजाना हरकत कर रहे हैं। जरूरत नहीं है किसी पुलिस वाले की कमिश्नर से लेके कांस्टेबल तक उंगली लगा दे उस आदमी को, ताकत नहीं है पुलिस की। ताकत किस पे है? ताकत उस पे जिस पे पीआई बोल दे कि जाओ भैया इसको पकड़ लाओ, उसको पकड़ लाएंगे। वरना परेश वर्मा को कोई माई का लाल, मैं चैलेंज कर रहा हूं कमिश्नर जाके परेश वर्मा के घर पे जरा नॉक तो करके दिखा दे। कपिल मिश्रा घर पे सिर्फ कुंडी खटखटा के दिखा दे कमिश्नर साहब, मुझे कुंडी खटखटा के दिखा दे, जरूरत नहीं है, सितारे उतर जाएंगे कंधे पे से। तो जब सिचुएशन ये बन जाए कि अहले इख्तदार जिसे बोलने की इजाजत दे वो बोले और जिसे बोलने की इजाजत ना हो उसकी जबान काट दी जाए, तो फिर जफरुल इस्लाम खान जैसे शरीफ लोग और मुखलिस लोग, ईमानदार लोग, बा इल्म लोग, बा खबर लोग, एक्टिव फाल लोग जो मुल्क के लिए मुफीद है, उम्मत के लिए मुफीद है, इंसानियत के लिए मुफीद है, दुनिया के लिए मुफीद, उनकी ही जबानें काटी जाएंगी। और ये एक इशारा है जो सरकार ने दिया है कि अगर हम जफरुल इस्लाम खान की गर्दन नाप सकते हैं तो इस मुल्क में ये तबका, वो तबका जो अहलुर राय कहलाता है, असाबुर राय है, वो खैरियत को अपनी मना ले। क्योंकि सर ये देखने को मिल रहा है लगातार, क्या जफरुल इस्लाम साहब को टारगेट करके मुसलमानों की जो आवाजें हैं उसे दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है? ये सिर्फ मुसलमानों की आवाज का मसला नहीं है, इस नुक्ते नजर से, आवाज दबाने के नुक्ते नजर से देखें तो मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले की बहुत बात की कड़ी है जफरुल इस्लाम का। अगर आप इससे पहले देखें तो जो साईं बाबा का मामला है या गौतम नौलखा जेल के अंदर है, इस तरीके से और बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो जेल के अंदर हैं, वहां से दारापुरी साहब को भी गिरफ्तार किया गया केस चले पे और जमानत पे, इस तरीके से पूरे मुल्क में कई, आप अभी कर्नाटक में, तमिलनाडु में गिरफ्तार किए गए मुझे नाम, तो जितने बड़े एक्टिविस्ट हैं वो रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ रियासतों में गिरफ्तार हो रहे हैं। तो जफरुल इस्लाम खान, मुसलमानों में जफरुल इस्लाम खान साहब का जो कद है, उस पद के किसी लीडर पर अभी तक कोई आंच नहीं आई थी। दूसरी कम्युनिटीज के जो सेकुलरिस्ट लीडर वो बड़ी तादाद में गिरफ्तार हो चुके हैं, जो तो रफ्तार रफ्तार चलते हुए यहां आई है। तो ये पहला रिंग है कि खाली मुसलमानों की आवाज को दबाई जा रही है, बल्कि हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि हुकूमत दुश्मनी को ही मुल्क दुश्मनी करार दिया जाए।
जबकि हुकूमत की मुखालिफत जमहूरियत का लाजमी तकाजा है। हुकूमत की मुखालफत जमहूरियत का लाजमी तकाजा है, उसे आप मुल्क दुश्मन नहीं कह सकते। जबकि मुल्क दुश्मनी बिल्कुल अलग एक चीज है। देखिए हुकूमत ने मुल्क दुश्मनी और हुकूमत दुश्मनी को क्लब कर दिया है। इसलिए जो आदमी भी अब हुकूमत के खिलाफ कुछ बोलता है, हुकूमत उसको चिढ़ाती है और उसके लिए एक नैरेटिव तैयार करती है, मीडिया के जरिए फैलाती है, दुनिया को बताती है कि ये जो हुकूमत का मुखालिफ है दरअसल यही मुल्क का मुखालिफ भी है। और इस जुमरे में तमाम जो सेकुलरिस्ट लोग हैं या मुसलमान हैं या हिंदू हैं, सभी को ला रहे हैं। क्योंकि इस तरह हमने ये देखा है जो इनके खिलाफ आवाजें उठा रहा है उस पर देशद्रोह का सर्टिफिकेट तो ऐसे बांटा जा रहा है जैसे कि प्रसाद हो गया हो। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन की आड़ में 48,000 गिरफ्तारियां पूरे मुल्क भर में हो चुकी हैं, जो CNRC का विरोध कर रहे थे, जिसमें मिरान हैदर आते हैं जामिया के, उमर खालिद आते हैं जिनके ऊपर UAPA लगा दिया गया, सफूरा जारगर को किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, यहां तक कि वही कपिल मिश्रा एक ट्वीट करते हैं और अपनी जनक शब्द कहते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो न्यू जनरेशन है, इन लोगों पर गिरफ्तारी करके या इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल करके एक तबके को पूरी तरीके से कुचलना चाहते हैं? देखिए ये जो लॉकडाउन है ये आई वॉश है और इसे हुकूमत ने आई वॉश बनाया है। सारी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर लॉकडाउन है, मुख्तलिफ जगहों पर है, लेकिन कोरोना जो है और लॉकडाउन यहां पर एक पॉलिटिकल पर्पस से सरकार ने इस्तेमाल किया और उसे मैं कहता हूं कि सरकार का छोटापन है, मीननेस, इंग्लिश कैट लव्स, मीननेस है सरकार की कि एक आफत को, एक वबा को, उसका एक तरीका, उसकी हिकमत, लॉकडाउन को आप सियासी पर्पस से इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको मौका मिला कि लोग अभी बाहर नहीं निकलेंगे तो चलो जो एक्टिविस्ट है जिनके बाहर निकल गिरफ्तार करने पे मुमकिन होता कि कोई प्रोटेस्ट होते लोग जंतर मंतर जाते तो अभी मौका है, सब कोई बाहर नहीं निकला, हमने लॉकडाउन लगा रखा है, कर्फ्यू लगा रखा है, इजाफा 144 कोई नहीं निकले तो जल्दी से उठा के मीरान हैदर को ले जाओ, जल्दी से उमर खालिद को ले जाओ, सफूरा को भी ले जाओ, सबको ले जाओ। पर तरीकाकार क्या है, पहले मुस्तफाबाद शिवपुरी वगैरह में जहां फिसाद हुआ था वहां से लड़कों को पकड़ा, वहां के लोग जो जिनके कोई सेह नहीं थी, जिनकी कोई आवाज नहीं थी, उनको पकड़ने पे कोई आवाज नहीं उठी, वो भी लॉकडाउन के दौरान पकड़े, जब कोई देखा कि हाँ बड़े खामोशी है कोई नहीं बोला तो एक्टिविस्ट पकड़ दिए। एक्टिविस्ट पकड़ने पे क्या हुआ, इधर उधर हम जैसे लोग खत पत लिख के भेज दिए, कहीं होम मिनिस्टर को एहतजाज कर दिया, अखबारों में दे दिया, सोशल मीडिया में, यही क्या और क्या क्या, इससे सब सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता। अब तीसरा स्टेप है ये लीडरशिप पे हमला। सर लीडरशिप पर हमले की बात आप कह रहे हैं क्योंकि जफरुल इस्लाम साहब पर हमला, कल को किसी पर भी हमला हो सकता है जो इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को? नहीं यकीनन जो भी आइडियोलॉजी, शुरू में कहा हुकूमत का दुश्मन मुल्क का दुश्मन बताया जा रहा है और टेलीविजन के मुख्तलिफ चैनल्स को इस पर्पज से इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो उनको बोले यू एंटी नेशनल। मैं समझता हूँ एंटी नेशनल अब मुल्क में वो है जो जमहूरियत की आवाज को दबाना चाहते हैं, वो मीडिया के लोग जो जमहूरियत जमहूरी लोगों को एंटी नेशनल कहें, वो हुकूमत के लोग, वो ब्यूरोक्रेसी के लोग जो जफरुल इस्लाम जैसे लोगों को, गौतम नौलखा जैसे लोगों को एंटी नेशनल कहते हैं, वही दरअसल मुल्क दुश्मन है, वो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, मुल्क में अफरातफरी मचाना चाहते हैं, मुल्क भुखमरी के कगार पे खड़ा हो गया, उसको छुपाने के लिए शराबियों को बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं, अचानक 70% के ऊपर टैक्स लगा देते हैं कि कोरोना टैक्स दे रहे हैं, दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, यानी पाकिस्तान जिसका सुबह शाम हम मजाक उड़ाया करते हैं, जिनकी इकोनॉमी बिल्कुल ही भुखमरी वाली भिखारियों जैसी इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, वो 42 रुपए डीजल पे कम कर देता है और हम कहते नहीं हमारी इकोनॉमी क्योंकि डाउन हो रही थी, हम इसी गरीब भुखमरे आदमी की जेब से इसका कफन नोच के अपनी इकोनॉमी ठीक करना चाहते हैं, ये हुकूमत कह रही है। जब वो डीजल के और पेट्रोल के प्राइस बढ़ाती है, जब वो शराबियों को बाहर निकालती है और 70% एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाती है उनके ऊपर, एक्साइज ड्यूटी लगाती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप गरीब आदमी के तन पे जो कपड़ा है वो भी नोच लेना चाहते ताकि सरकार का खजाना बढ़ जाए। इससे बड़ी गैर इंसानी हैवानी हरकत किसी सरकार की जानिब से क्या हो सकती है? और इस सब पे सवाल ना उठे तो आप लीडरशिप को टारगेट करके गए कि ये मुसलमान है तो आप हिंदू इसके मुखालिफ हो जाएं।
ये सारी सियासत है। सर, जफरुल इस्लाम को टारगेट करके जो हमने देखा कि बीते कई सालों से जो देश का पैसा लेकर के लौटे, जो सवाल मीडिया को पूछना चाहिए था नीरव मोदी को लेकर के, विजय माल्या को लेकर के, उनकी कर्ज माफी हुई, जफरुल इस्लाम में डाइवर्ट कर दिया गया, शायद इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि जफरुल उन लोगों से ध्यान हटा करके जफरुल इस्लाम पर केंद्रित कर दिया जाए। नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं है हुकूमत को, क्योंकि पूरा मीडिया उन्होंने खरीद रखा है। तो वो अब आप देखिए, जिस जो आप जिक्र कर रहे हैं 68,000 करोड़ का, जो 50 कंपनीज हैं जिन जो बैंकों के जरिए अवाम का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा लेके फरार हुई हैं हुकूमत की मदद से, यही हुकूमत की मदद से, उसका जिक्र मीडिया ने कितना किया? एक आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने दे दिया, इसी मौके पे दिया, वो भी मीडिया में उसका कोई जिक्र तो नहीं आया। अब आप उन 50 कंपनियों को उठा के देंगे, कौन कंपनियां हैं? वैसे एक भी कंपनी वो नहीं है जो किसी जमाती की हो, किसी तबलीगी की हो, उनमें से किसी की नहीं, सब उनके हैं जो चोर हैं, चोरी करके भागे, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं करना उनको। सवाल यह है कि अब वो चोरी करके भाग भी गए, उनसे पूछे कि जो पीएम केयर बनाया है उसमें कितना पैसा उन्होंने दिया है? एक नया पैसा उन लोगों ने नहीं दिया है, एक पैसा नहीं दिया। और यहां पर जफरुल इस्लाम जैसे लोग पैसे दे रहे हैं, दूसरे तमाम लोग पैसा दे रहे हैं, तो पूरी का पूरा जो फोकस है वो शिफ्ट करना चाहते हैं कि जितना पैसा लिया है वो भी देना ना पड़े, वो बताना ना पड़े, और उनके ऊपर जो डिमांड बढ़ेगी कि इनको बुलाओ या इनसे पैसा लो, वो भी सब खत्म हो जाए। और कोरोना है कहाँ, कितना है, मतलब 137 करोड़ के लोगों में, मैं आपसे अगर सच कहूं, दुनिया में 2.5 लाख लोग रोजाना सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं, 25% लोग उसमें से इंडिया के, इंडिया जो है फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है जहां मैक्सिमम केसेस ट्यूबरक्लोसिस के होते हैं। तो तकरीबन 2.5 लाख है, तो ये तकरीबन 70,000 लोग पर डे, एक दिन में 60,000 लोग हिंदुस्तान में टीवी से मरते हैं। और अगर आप टेलीविजन पे दिखाने लगे 24 घंटे के, आज टीवी के वहां पे इतने केस मिल गए, टीवी के वहां इतने, तो आपको कोई और खबर ही नहीं मिलेगी, 24 घंटे आप टेलीविजन पे टीवी दिखाएंगे। और ये तो अभी 1200 करीब मौतें हुई हैं इसमें कोरोना में, वहां तो 60,000 एक दिन में हो जाती है। तो आप कौन सा कोरोना रो रहे हैं जिसमें आपने पूरे मुल्क को बंद कर दिया, सारी इकोनॉमी ठप करके आप यहां पर भुखमरी फैला रहे हैं, और उस आड़ में कि आपने सब रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल एक्टिविटी सब आपने बंद कर दी, कि कोई पत्ता पर नहीं मार सकता सड़क पे, कोई परिंदा पर नहीं मारे सड़क पे, वो सब आपने बंद कर दिया, और आप अपना काम, अपनी हरकत किए जा रहे हैं इस आड़ में। सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से इस्लामोफोबिया नाम का ट्विटर पर एक हल्ला मचा, उसके बाद दबाव बनाया गया, और उसी की आड़ में कई सारे काम मोदी सरकार ने कर दिए, गिरफ्तारियां हुई, उसी को लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार जिक्र है, पर किस तरीके से देखते हैं जो भारत की छवि बन रही है अरब मुल्कों में या बाहर के मुल्कों में, क्योंकि यहाँ का मीडिया कुछ दिखाता नहीं, और जैसे अल जजीरा हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ, वो खुल करके गोदी मीडिया की आलोचना कर रहा है, मोदी सरकार की आलोचना कर रहा है, तो क्या भारत की छवि का असर बाहर मुल्कों में पड़ रहा है? नहीं, वो तो जो पड़ना था पड़ चुका है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो कुछ भी यहाँ कर रहे हैं, आपके आंख बंद करने का मतलब ये नहीं होता कि सारी दुनिया ने आंखें बंद कर दी। दुनिया की आंखें खुली हुई हैं, और दुनिया अभी एक ग्लोबल विलेज है। कोई अगर ये समझता है तो वो अनपढ़, जाहिल और गंवार हो सकता है जो ये सोचे कि दुनिया भी 1933 से 1945 के बीच की दुनिया है। अगर कोई ये समझता है, कोई पार्टी, कोई इंडिविजुअल ये समझता है कि अभी हम 1933 और 45 के बीच के जमाने में, तो गलत फहमी का शिकार है। मैं कहता हूं जाहिल है, गंवार है। और वो गंवार ये समझता है कि मैं यहां पर कर रहा हूं तो वो बाकी दुनिया को पता नहीं हो सकता। आपके एमएलए बयान दे रहे हैं कि सब्जी फरोशों से, मुसलमानों से मत खरीदो, आपके एमपी कह रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट कह रहे हैं अरब की औरतें तो बांझ हैं, और इस तरीके के जो इल्जाम, ये सब कोई सुनने ना। और फिर आपके मुल्क के अंदर तबलीगी जमात जो एक आलमी तंजीम है, उसकी फेक वीडियोस आप दिखा रहे हैं, मुस्तकिल फेक वीडियो, वो एक्सपोज हो गया कि फेक वीडियो, इसके बावजूद कि वो एक्सपोज हो गया, आप फिर दोबारा उन्हीं को चला रहे हैं, और अदालत भी खामोश है, अदालत भी कुछ नहीं कर रही। तो आप टारगेटिंग कर रहे हैं, आप लिंचिंग हो जाती है इस नाम पे, अब लोग घुस नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, और उसके बाद अगर अरब उस पर रिएक्ट कर रहे हैं तो भाई सारी दुनिया करेगी ना। अगर पाकिस्तान में हिंदुओं को कुछ हो जाता है तो क्या हमारी सरकार भी बोलती?
जो अकलियत है। बांग्लादेश में कुछ हो जाता है तो क्या हमारी सरकार नहीं बोलती? म्यांमार में कुछ होता है, श्रीलंका में कुछ होता है, श्रीलंका में तो हमने मिलिट्री इंटरवेंशन किया जनाब, क्योंकि वहां पर अकलियतों के ऊपर हो रहा था तो हमने बाकायदा मिलिट्री इंटरवेंशन किया। हमने बांग्लादेश में मिलिट्री इंटरवेंशन किया है अकलियतों के नाम पर। आप करें कि उन्होंने ट्वीट लिख दिया इस डे के बाद, क्या अजीब गरीब बातें करते हैं। एक इंटरनेशनल गवर्नेंस चल रही है, एक यूएनओ मौजूद है जो मॉनिटर करता है। आप जरा जाइए, आप कह रहे हैं कि आपने ट्वीट कर दिया यूएई पे गद्दारी कर रहे हैं, आप जाके जो यूएन फोर्सेस खड़ी है पाकिस्तान हिंदुस्तान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 1700 फौजी खड़े हैं, सारी दुनिया की फौज के मिला के 1700 फौजी सीजफायर वायलेशन को मॉनिटर करने है, 1700 फौजी खड़े हैं और वो आलमी मैंडेट के मुताबिक है, भारत के और पाकिस्तान के नहीं है। आपके अंदर जुरत है तो हटा के दिखा दीजिए मुझे 1700 फौजी हुआ, तो आप कैसे कह रहे हैं साहब के बाकी दुनिया के लोगों को कोई इख्तियार ही नहीं है? इख्तियार होना, हम जा भी नहीं रहे। लेकिन अगर किसी ने बोला है तो झूठ तो नहीं बोला, अगर बोला है तो आप काउंटर कर दीजिए, आपके डिप्लोमेटिक सर्किल से उसको काउंटर करना चाहिए। आपने वो काउंटर भी नहीं किया तो लोग क्यों नहीं बोलेंगे? यूनाइटेड नेशन उसके बाद आ गई रिपोर्ट्स और अभी और रिपोर्ट्स आ रही है। हमने तो नहीं भेजी, जफरुल इस्लाम ने तो नहीं भेजी वहां पर जो रिपोर्ट्स आई है यूनाइटेड स्टेट्स के रिलीजियस डिपार्टमेंट की या यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो रिपोर्ट है, जफरुल इस्लाम ने तो नहीं भेजी, तस्नीम रहमानी ने तो नहीं भेजी, हमने से तो किसी ने नहीं भेजी, उनकी अपनी कलेक्टिव रिपोर्ट है। और अगर हम उसको कह दें कि हाँ इसमें से कुछ ठीक है तो आपको तकलीफ है, अगर हम ना भी कहें तब भी वो ठीक है, तो आप इसमें मुल्क दुश्मनी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में भी नहीं बना सकते। मैं यकीन से कहता हूं कि दिल्ली पुलिस जलील होकर वापस आएगी अदालतों से इस केस में, इस एफआईआर पे, जो एक फिल्म सी एक ऐसी एफआईआर है जो किसी ने कह के करवा दी है, वरना जो असल एफआईआर वो तो दिल्ली पुलिस करती ही नहीं है। कल भी दिल्ली हाईकोर्ट को कहना पड़ा पुलिस से कि इस मामले में एफआईआर करो, जो पुरानी दिल्ली में 2 हफ्ते बाहर आई थी और उन औरतों ने हंगामा करके मुसलमानों को गालियां दी थी रात को 11:30 बजे, आज तक 16 अप्रैल से लेकर आज तक दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं की। कल दिल्ली हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि इनके खिलाफ एफआईआर कीजिए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय को रखा। सरकार और मीडिया किस तरीके से खेल खेल रही है उसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। दुनिया लगातार सवाल उठा रही है, अरब देश के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। सरकार काउंटर करने के बजाय जो लोग भारत में रह करके कोई सवाल कर रहे हैं तो उसी को कटघरे में ला करके खड़े करने की तैयारी कर रही है।